लिविंग रिलेशनशिप वाला भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया सी, उदे ते भी पूर्ण विचार करन ली मैं अपने वल्लों अपील कर दिया। आज साडे मान योग सुप्रीम कोर्ट दा एक फैसला आया वे सेक्स वर्कर्स दी फेवर विच कि उन्हां नूं कानूनी मान्यता दित्ती जाए। गुड इवनिंग एवरीवन, उम्मीद करती हाँ तुसी सारे ठीक ठाक होगे। आज बड़े ही एक इंपोर्टेंट सब्जेक्ट ते तुहाडे नाल गल करन आई हाँ। आज साडे मान योग सुप्रीम कोर्ट दा एक फैसला आया वे सेक्स वर्कर्स दी फेवर विच कि उन्हां नूं कानूनी मान्यता दित्ती जाए, ते जिहड़े दिशा निर्देश दित्ते गए ने प्रशासन नूं कि उन्हां नूं परेशान ना किया जाए। असीं कानून दा बहुत सम्मान करदे हां, कानून तो उपर कोई भी नहीं हैगा। असीं सुप्रीम कोर्ट दा भी बहुत सम्मान करदे हां और मैनूं लग सबनों करना चाहिए और साडा भारत देश करदा भी है। पर मेरी एक पंजाब स्टेट विमेन कमीशन दी चेयरपर्सन होने के नाते पुरजोर अपील है कि मान योग सुप्रीम कोर्ट इस अपने फैसले ते पूर्ण विचार जरूर करे, क्योंकि जड़ा साडा भारत देश है पूरी दुनिया च सिर्फ ते सिर्फ इसलिए जानिया जाता है जिथे औरत नू कन्या रूप विच पूजा की जाती है। साडा कल्चर, साडी संस्कृति मैनू लगता है कि इन्दे जड़े साइड इफेक्ट ने जिथे बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है, बहुत सारे इन्दे नैगेटिव इफेक्ट्स भी ने। असी सुप्रीम कोर्ट नू पुरजोर अपील करते हैं फैसले ते पूर्ण विचार करे, इन्हां लई रोजगार एजुकेशन। असी इन्हां दा बड़ा सम्मान भी करते हैं कि पता नहीं किस मजबूरी च इस पेशे च इनवॉल्व ने या केड़ी मजबूरी करके इस धंधे च आए हुए ने, पर असी इस सुप्रीम कोर्ट नू अपील करते हैं कि इन्हां दी रोजगार इन्हां दी एजुकेशन लई पुख्ता इंतजाम किए जाण और अपने फैसले ते पूर्ण विचार करे। एक होर अज असी सुप्रीम कोर्ट दे ही फैसले नू मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे फैसले नू अपील करते हैं कि जड़ा लिविंग रिलेशनशिप वाला भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया सी, उदे ते भी पूर्ण विचार करन लई मैं अपने वल्लों अपील करती हाँ, क्योंकि 2018 दी जदों दा मैं पंजाब स्टेट विमेन कमीशन दा चेयरपर्सन दा चार्ज लिता होया है विद एविडेंस। मैं सुप्रीम मानयोग सुप्रीम कोर्ट अगे कुछ है कुछ तथ्य रखना चाहनी हाँ कि जिंदे करके साड़ी एक औरत असी इस चीज़ नू बहुत पॉजिटिव वेज लैने हाँ कि मर्द और औरत दोनों नू बराबरी दा हक दिते, उन्हां दी फ्रीडम वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिता है। पर किते ना किते औरत ही औरत दा घर तोड़ रही है जिथे उन्होंने बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। साडे कोल रोज़ दियाँ 10 to 15 कंप्लेंट्स इहो जिहियां हैगियां ने कि जिहड़ियां औरतां लिविंग रिलेशनशिप विच रह रही ने, दूसरी औरत नूं खर्चा नहीं मिल रहा, उन्हां दे बच्चे सफर कर रहे ने, 12वीं क्लास दे बच्चे लिविंग रिलेशनशिप विच रह रहे ने। एक 12वीं क्लास की कुड़ी कंप्लेंट लेके आ रही है, एक माँ आ रही है कि मेरी बेटी सोशल मीडिया तो किसी होर दे संपर्क च, मेरा सनी ला मेरे नाल खड़ा होया है, वो मैनू सपोर्ट कर रहे अपने बच्चों लिए, मैनू सपोर्ट कर रहे कि मैं माँ भटक रही हाँ। तो साढ़े को विद एविडेंस असी कुछ इदा की जमीनी हकीकत मानयोग सुप्रीम कोर्ट अगे रखना चाहते हैं कि जिंदे ते पूर्ण विचार अज समय की बहुत वड्डी जरूरत है। एक होर असी मानयोग सुप्रीम कोर्ट अगे अपील करना चाहते हैं कि जड़े छोटे बच्चे कुड़ियां जदों विवाहिक संबंधा च प्रॉब्लम आती है, सुप्रीम कोर्ट ने कानून के हिसाब नाल एक दिशा निर्देश फिक्स किए हुए ने कि 5 साल तक बच्चा माँ तो कोई खो नहीं सकता। जड़ी भी एज कानून मुताबिक साड़ी मानयोग कोर्ट ने फिक्स की हुई है कि इस तो बाद ही कोर्ट थ्रू ही कस्टडी लिती जा सकती है। मामा को 6-6 महीने दे, 3-3 महीने दे, साल साल दे बच्चे सोरिया द्वारा खो लिते जाते हैं, भटकदिया रहिंदिया ने, सिस्टम सपोर्ट ही नहीं कर पाता कि थ्रू कोर्ट लो। जब एक बार मानयोग कोर्ट ने दिशा निर्देश निर्धारित कर दिते तो इनकी तरफ भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि क्या साड़ी स्टेट इच साड़ा सिस्टम साड़े बनाए कानून नू फॉलो अप हो रहा है। मैनू पूरी उम्मीद है कि मानयोग कोर्ट
ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈ